वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। और आज की इस वीडियो में जो हम करने वाले हैं वो है ट्रांसप्लांटेड हेयर्स वर्सेस कॉम्ब टेस्ट। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या जो हमारे ट्रांसप्लांटेड बाल होते हैं उनको हम नेचुरली कॉम्ब कर सकते हैं जैसे कि अपने नेचुरल हेयर्स को करते हैं, क्या हेयर फॉल होता है, क्या ट्रांसप्लांटेड बाल कॉम्ब करने से ही गिर जाते हैं। तो आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। इस वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि आपके लाइक्स ही है जो मुझे मोटिवेट करते हैं वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए गाइस वीडियो शुरू करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रांसप्लांटेड बाल जो है सिर्फ कंघी करने से नहीं गिरते हैं। काफी लोगों के दिल में ये डाउट रहता है कि भाई क्या अगर हम ट्रांसप्लांटेड बालों को जैसे नेचुरल बाल को कंघी करते हैं, कॉम्ब करते हैं तो क्या वो गिर जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस फर्क इतना ही है कि आपके पीछे के बाल निकाल करके आगे लगा दिए जाते हैं, बस और कोई फर्क नहीं है। ये भी एक तरह से देखा जाए तो आपके नेचुरली बाल ही है, नेचुरली ग्रो करते हैं। तो प्लीज अगर आपके दिल में ऐसा कोई डाउट है और आप ये सोचते हो कि सिर्फ कंघी करने से वापस गिर जाएंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आई होप आप लोगों के सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे और आपने देखा भी होगा कि ट्रांसप्लांटेड बाल जो है वो तो नहीं गिरे लेकिन कंघी करने के बाद दो चार बाल जो है नेचुरल बाल जो है वो जरूर कंघी पे आए। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। आप ऐसा मत सोचिए कि आपने ट्रांसप्लांट करा लिया तो आपका हेयरफॉल बिल्कुल भी बंद हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। नेचुरल बाल जो होते हैं वो भी गिरते हैं, कभी कभी ट्रांसप्लांटेड बाल भी गिरते हैं लेकिन वो वापस भी आते हैं। प्रिकॉशंस आपको लेना है, आपको अपने हेयरफॉल को बचाना है। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार और वीडियोस को लाइक भी किया करो क्योंकि इससे बहुत मोटिवेशन मिलती है दूसरे वीडियोस बनाने के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस गाइस। बाय।